नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल संपूर्ण ज्ञान में। आज है दिनांक 4 अक्टूबर और आज हम लोग देखेंगे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में और उसके एनालिसिस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और इस वीडियो का PDF लिंक आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। लास्ट में आप सभी से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलिए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह वर्ल्ड स्पेस वीक कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 4 से 10 अक्टूबर। यह आयोजन होता है वर्ल्ड स्पेस वीक एसोसिएशन द्वारा, जिसके प्रेसिडेंट है डेनियस स्टोन। आपको बता दें इस साल का जो वर्ल्ड स्पेस वीक का थीम है द मून गेटवे टू द स्टार्स। गेटवे टू द स्टार इसका थीम है इस साल का। कौन सा रेलवे स्टेशन स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 में प्रथम स्थान पर रहा? विच रेलवे स्टेशन रैंक्ड फर्स्ट इन क्लीनिनेस सर्वे 2019? इसका सही उत्तर है जयपुर, जिसको 9.317% आपको इसको पॉइंट मिला। दूसरे स्थान पर रहा जोधपुर, तीसरे स्थान पर रहा दुर्गापुर। ये तीनों राजस्थान के ही शहर हैं। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। विश्व पशु दिवस वर्ल्ड एनिमल डे कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 4 अक्टूबर। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। किस शहर में महात्मा गांधी पर डिजिटल प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया? इन विच सिटी डिजिटल एग्जीबिशन ऑन महात्मा गांधी इनॉग्रेटेड? इसका सही उत्तर है दिल्ली। आपको बता दें जो डिजिटल एग्जीबिशन नाम लॉन्च हुआ है उसका टाइटल है डिजिटल गांधी ज्ञान विज्ञान, जो आशुतोष शर्मा के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसे IMF में भारत का नया कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया गया? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ इंडिया एट IMF? इसका सही उत्तर है सुरजीत भल्ला। आपको बता दें IMF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। इसका हेड क्वार्टर वाशिंगटन DC में है, जिसमें 189 देश सम्मिलित हैं। IMF के अनुसार सबसे ज़्यादा कर्ज में पाकिस्तान देश है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन। द टेक विस्पर पुस्तक किसने लिखी है? हु हैज़ रिटन द बुक द टेक विस्पर? इसका सही उत्तर है जसप्रीत बिंद्रा। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। पान मसाला पर प्रतिबंध लगाने वाला कौन सा राज्य तीसरा बना है? विच स्टेट बिकम थर्ड स्टेट टू बैन पान मसाला? इसका सही उत्तर है राजस्थान। पहला है महाराष्ट्र, दूसरा है बिहार। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। पंजाब नेशनल बैंक का नया प्रबंधक निदेशक किसे नियुक्त किया गया? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पंजाब नेशनल बैंक? इसका सही उत्तर है SS मल्लिका अर्जुन रॉय। आपको बता दें इससे पहले सुनील मेहता इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO थे। चलते हैं आज के नौवें क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में स्वच्छता राजदूत पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? हु हैज रिसेंटली अवार्डेड बाई द क्लीनिनेस एम्बेसडर अवार्ड? इसका सही उत्तर है सचिन तेंदुलकर। आज का दसवां क्वेश्चन है। किस देश ने सबसे शक्तिशाली मिसाइल डॉल्फिन 41 का अनावरण किया? विच कंट्री हैज अनवील द मोस्ट पावरफुल मिसाइल डॉल्फिन 41? इसका सही उत्तर है चीन। आपको बता दें इसकी मारक क्षमता 14,000 से 15,000 किलोमीटर तक है। स्पीड है इसकी 30,626 किलोमीटर। चलते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। द्वितीय PM लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न से सम्मानित कब किया गया? वेन वॉज द सेकेंड PM लाल बहादुर शास्त्री कन्फर्म विद भारत रत्न? इसका पहला ऑप्शन है 1955, दूसरा ऑप्शन है 1960, तीसरा ऑप्शन है 1966, चौथा ऑप्शन है 1970। इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा